अगर कोई जरा भी सेंस रखता है तो मेरी इस बात को बहुत सीरियसली लेगा कि हाँ जानते तो हम भी कुछ थे, अधिक नहीं थोड़ा सही, लेकिन हम क्यों नहीं करते ये बहाना कि हम गृहस्थी हैं, शरीर के लिए तो 24 घंटे हैं हमारे लिए, और जो शरीरी है, जो मेन है आत्मा, उसके लिए हम टालते जाते हैं। क्या मानव देह का हमारे एम हल हुआ, 25 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, और फिर 25 साल वाला भी क्या सोच सकता है कल का दिन मुझे मिलेगा, कोई श्योरिटी है? इसलिए आपको बहुत गंभीरता से प्रतिज्ञा पूर्वक समय निकालना होगा। गृहस्थी लोगों को कि हमें 2 घंटे 4 घंटे भगवत विषय में देना है, चाहे प्राण निकल जाए, इतना समय हम डेली देंगे। आप कहेंगे प्रतिज्ञा क्या करेंगे, इम्पॉसिबल, अनंत जन्म बीत गए आपके ऐसे स्कीम बनाते बनाते, आप करेंगे अब करेंगे, जरा सर्विस हो जाए, जरा कन्फर्म हो जाए, जरा बच्चे बड़े हो जाए, जरा रिटायर हो जाए, रिटायर हो गए तो अब उपन्यास पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नाती पोता को लटकाए घूमते हैं। तो जब तक आप प्रतिज्ञा न करेंगे, और ऐसी वैसी प्रतिज्ञा नहीं, प्राण चला जाए लेकिन आत्म कल्याण के लिए हम इतने घंटे डेली अवश्य देंगे, जब तक ये प्रतिज्ञा न करेंगे तब तक अनंत कोटि जगतगुरु के आप लेक्चर सुने, समझे, साफ उड़ जाएगा। आप लोग जो समझे हैं अब तक, आप ये न समझिए कि हम समझ गए हमेशा, ये सब 10 दिन में उड़ जाएगा, फिर आप वही पहुंच जाएंगे। क्योंकि शास्त्रों के उपदेश के लिए ये आज्ञा है कि आवृत्त रसकृत उपदेशार्थ, उसकी बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति आपको कहाँ मिलेगी, आप ही को करनी पड़ेगी, वो मनन आप ही को करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईश्वरीय मामले में आपको प्रतिज्ञा करनी है। जैसे आप प्रतिज्ञा पूर्वक दुकान पर जाते हैं, प्रतिज्ञा पूर्वक ऑफिस में जाते हैं, ठीक इसी प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक आत्म कल्याण के लिए भी आपको समय निर्धारित करना है। ठीक, अगर कोई कहता है नहीं करेंगे तो सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, ये तो मैंने आपको बताई दिया था एक दिन कि जो ये सिद्धांत रखता है कि सुनेंगे सब की करेंगे मन की, तो उसके लिए तो कोई उपदेश नहीं है। लेकिन अगर कोई जरा भी सेंस रखता है तो मेरी इस बात को बहुत सीरियसली लेगा कि हाँ जानते तो हम भी कुछ थे, अधिक नहीं थोड़ा सही, लेकिन हम क्यों नहीं करते ये बहाना कि हम गृहस्थी हैं, शरीर के लिए तो 24 घंटे हैं हमारे लिए, और जो शरीरी है, जो मेन है आत्मा, उसके लिए हम टालते जाते हैं। क्या मानव देह का हमारे एम हल हुआ, 25 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, और फिर 25 साल वाला भी क्या सोच सकता है कल का दिन मुझे मिलेगा, कोई श्योरिटी है? इसलिए आपको बहुत गंभीरता से प्रतिज्ञा पूर्वक समय निकालना होगा। समय निकल आया, अब आप कर्म संन्यासी बन जाइए, उतनी देर के लिए बैठ जाइए और अपने सामने अपने इष्ट देव को खड़ा कीजिए।